हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और सुबह सुबह अभी कितने बज रहा है? आई थिंक साढ़े अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 6 या 7 बजने वाला है। तो आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सोच रही हूँ, रूम पे सब्जी वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ। देखते हैं मार्केट में क्या क्या लेते हैं, तो चलते हैं। फिलहाल तो मार्केट में जाते हैं, उसके बाद एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह अगर मार्केटिंग करके आ जाऊंगी तो थोड़ा। और इधर हमारे प्यारे से सिक्योरिटी महाराज बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हो कि सुबह के टाइम पे और 6:30-7 ऐसे कुछ बज रहा था, इतना धूप, इतना धूप, और संडे का टाइम है तो आप तो देख ही रहे हो, मतलब एकदम शांत, कोई पब्लिक नहीं, कुछ नहीं, इतना मस्त लग रहा था पूरा। और ये गाय और ऊपर से चिड़िया का पूरा चहकने का आवाज़, मज़ा आ गया पूरा। मैं तो मार्केट पहुँच चुकी हूँ, देखते क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं एटीएम पे आई हुई हूँ। इधर एटीएम है, एटीएम का फोटो नहीं है। और इधर सुबह सुबह बजरंग बली जी का दर्शन हो गया, तो इतना काफ़ी ज़्यादा धूप दे रहा था, तो फिलहाल तो पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हो सुबह सुबह मार्केट का सब कोई अपना अपना मतलब दुकान लगा रहे हैं सब कुछ। और मुझे लेना है फिश। মাসি চারা পোনা কেমন রুস পোনা আছে বটা পোনা আছে কত বটা পোনা রুস পোনা এলে এলে বটা পোনা এলে এলে রুস পোনা হ্যাঁ কত করে 50 টাকা করে 40 টাকা হবে না 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 ওলে হবে আপনি 90 টাকা লাগবে আই আর বেশি করব না দাদা পোলে গেল পোলে গেল দিব পোলে নাই বাবা হাজালে বলতে পারে পোলে এই আউট করে দিই আর ছোট মাছ এই জাল মাছটা ছোট বেশি দাম মাসি 8 কেজি করে দাও না 80 টাকাতে পাশে রেখে দে ভালো ভালো দেখে পড়ে দেবে ভালো করে বানিয়ে দিবেন, আমি বানাতে পারবো না। না 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 8 কেজি দাও, এমনি করবেন না। না আমি একলা কত খাবো, তার জন্য আমি তো 250 নিতাম, কিন্তু হ্যাঁ বেড়ে যাবে। ये मासी पहले तो बहुत सीरियस होके बोल रही थी, उसके बाद मैं हंस दी तो फिर हंसने लग गई, बहुत मज़ा आया। और मतलब आप जाओगे ना मॉर्निंग के टाइम पे, इतना ताज़ा ताज़ा फिश रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, इतना फास्ट बनाती हैं, मतलब हम लोग को तो बनाने में साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट ये मासी लोग और ये लोग जितने भी जन बेचने के लिए आते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यार से मछली को मतलब छिल रही हैं, काट रही हैं। मुझे तो इन लोगों का टैलेंट मतलब मानना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी किसी और का काट रही हैं मतलब फिश, ये मेरा नहीं है, मैं तो छोटा वाला ली हुई हूँ, तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद अभी मासी मेरा वाला फिश काट रही है, और इतना भीड़ ही था ना, मतलब बहुत टाइम मुझे लग गया था, ऑलमोस्ट आधा घंटा पौने घंटा। अब मुझे इस साइज़ का फिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मैक्सिमम टाइम इसी मछली को प्रेफर करती हूँ, मतलब इतने ही साइज़ वाले को। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से इसको पैक कराते हैं, उसके बाद फिर क्या करना है।
उसके बाद मेरा फिश लेना फाइनली हो चुका है, तो मैं अब जस्ट निकल चुकी हूँ और मुझे अंकल के दुकान में कुछ कुछ सामान लेना है, तो पहले वहाँ चलते हैं, तो देखते हैं। सही है, स्वारी दिखाइए, एकदम बहुत दिन है, दिखाइए ना। तुम खा के खत्म कर देगी? नहीं, वजन कम कर दिया है। बाप रे, साते हैं 90 ग्राम कर दिया। फातिमा ने 7 साल, अरे वाह, 7वां महीना। अभी कितना दिन हुआ? अभी मार्च खत्म होने वाला है। रियल का रोल हुआ, उसमें हम एग भी डाल रहे हैं, प्याज सलाद भी डालते हैं, फिर क्या बोलते हैं सॉस उस भी डाल रहे हैं, तो वो रियल का हुआ ना। फाइनली मेरा सारा सामान लेना हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ रूम पे, तो देखते चलते पहले रूम पे। और जैसे कि आप देखें कि आज मैं फिश लेके आई हूँ, तो फिश बनाने वाली हूँ, तो चलिए पहले फिश को निकालते हैं, उसको धोना है, साफ करना है, उसके बाद में फिर आज होगा फिश पार्टी। तो इधर सारे सब्जी को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ और ये देख सकते हो। और आपको पता है ये धनिया पत्ता अभी मैं 5 रुपये का लेके आई, आप देख सकते हो कितना क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। और यही कुछ दिन बाद जब ये होगा तो इसको ना लेने के लिए कम से कम 20-25 रुपया लगेगा। जब 5 रुपये का लेने जाती हूँ तो ये 2 या 3 लेयर ही मिलता है बस, क्या डिफरेंसेस इस ऑफ सीजन और सीजन का। और ये है मेरा फीस, तो अभी जाके मैं फाइनली फिश को मैं अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, तो पहले थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालूंगे बस थोड़ा। उसके बाद इसमें हल्दी, आप देख सकते हो हल्दी नमक डाल दिया, अभी इसको अच्छे से मिला लेते हैं। फिर तो फाइनली मैग्नेट तो हो चुका है, तो अभी चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो इधर मैं तवा चढ़ा चुकी हूँ, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल, फिश अब तो ऑयल तो थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, तो इधर ऑयल डाल चुकी लूँगी मैं एक एक करके फिश। मुझे लग रहा है कि अगर एक ही बार में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, कौन बार बार ये करेगा, क्योंकि और हो नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। शक नहीं रहे, तो देखते हैं पहले फिलहाल इसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे। तो जब तक फिश मेरा रेडी हो रहा तब तक मैं क्या करती हूँ, फिश का मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो चलती है पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इधर हो चुका है मेरा सामान रेडी, सामान इन द सेंस मसाला रेडी है, प्याज टोमेटो धनिया पत्ता और ये है सरसों पीसा हुआ, और इसमें मैं मिर्चा अदरक लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट करके रखी हुई हूँ। तो अभी कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, तो चलिए बनाते हैं फिश। इधर मेरा फिश हो चुका फ्राई, तो अभी मैं जा रही हूँ फिश बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तेल डालते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कैमरा के लिए कोई है नहीं, तो अकेले पॉसिबल थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो प्रॉपरली मैं शो नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फिलहाल तेल डाल देते हैं,
तेल फाइनली गर्म हो चुका, मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। अब डाल दी प्याज। प्याज को पहले थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, उसके बाद में फिर इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं मसाला, यह पहले इसको फ्राई होने देते हैं। तो आप देख सकते हो मसाला पूरा रेडी हो चुका है, मतलब अच्छे से भुन गया है। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो, इसको फ्राई होने देते हैं। इसमें मैं नमक और हल्दी डाल चुकी हूँ और अभी इस पे थोड़ा, ये अच्छे से भुन चुका है तो इसमें थोड़ा मैं डालूंगी धनिया पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसको हल्का सा भून लूंगी। देख सकते हो मसाला पूरा फुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जितना क्वांटिटी में आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना क्वांटिटी में डाल सकते हो। तो इसको अब मैं थोड़ा उबाल आने दे देती हूँ, थोड़ा चला के। तो फिलहाल तो उबाल आने का वेट करते हैं। तो जैसे ही उबाल आ जाएगा तो उसके बाद फिर फिश को डाल देंगे और उसके बाद इसी तरह मेरा फिश रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी सारे फिश, फिर थोड़ा सा, आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी सरसों, जो कि मैं पीस के रखी हुई हूँ, और उसके बाद धनिया पत्ता। तो फाइनली मेरा फिश रेडी हो चुका है। अभी हालत खराब हो चुका है मेरा, तभी मैं जाऊंगी। 2 hours later पहले मेरा लंच हो चुका है और फिश बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।